हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की मूवी का नाम है ब्राइड ऑफ चकी। और गाइज, वीडियो में आगे चलने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक पुलिस इंस्पेक्टर अनसॉल्व केसेस के लॉकर से एक एविडेंस को चोरी छुपके निकालता है। शायद वो ये किसी के कहने पर कर रहा है। फिर वो उस एविडेंस को कार से किसी को देने जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है और एविडेंस को देखता है खोल के, पीछे से नाइफ से टिफनी उसका गला काट देती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। वही दूसरी ओर जीत का एक फ्रेंड उसके घर आया होता है, जिसकी बात वॉरेन से भी होती है और वो उसे बाहर ले जाने के लिए आया होता है। लेकिन आगे चल के हमें पता चलता है कि जीत का एक बॉयफ्रेंड है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसका नाम जेसी है। वही टिफनी भी उस एविडेंस यानी कि हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर चक्की के साथ दम्बाला मैजिक परफॉर्म कर रही होती है, क्योंकि उसे आज भी विश्वास होता है कि चक्की की सोल जिंदा है और चक्की जिंदा हो जाएगा। तभी वहाँ पर उसका एक फ्रेंड आ जाता है और वो अंदर आता है। टिफनी को आभास होता है कि चक्की वापस आ चुका है। वो अपने फ्रेंड से बातें कर रही होती है, उतने में ही उसका फ्रेंड उसे इंटीमेट होने का इशारा देता है। वो उसके हाथों को हैंडकफ्स बांध देती है और उसे सीरियस करने लगती है। तभी वहाँ पर चक्की आ जाता है और उस आदमी का पूरी तरह से मर्डर कर देता है। फिर टिफनी चक्की को वो रिंग दिखाती है जो चक्की यानी चार्ल्स ने उसे मरने से पहले दी थी, लेकिन चक्की उस पर इस बात पर हंसता है। तो टिफनी को ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से के मारे चक्की को एक बॉक्स में बंद कर देती है। फिर नेक्स्ट डे टिफनी अपने ही नेबर यानी कि जेसी की मदद मांगती है और उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन जेसी उस पर कुछ खास ध्यान देता नहीं। फिर टिफनी चक्की को एक डॉल ला के देती है बॉक्स में और चक्की उस डॉल के गले से रिंग निकालता है और बॉक्स से फ्री हो जाता है। वो अपना बदला लेने के लिए टिफनी के पास बाथरूम में जाता है और उसके बाथटब में टीवी गिरा देता है और शॉक लगने के कारण टिफनी की भी मौत हो जाती है। फिर चक्की टिफनी की सोल को डम्बाला स्पेल की मदद से एक डॉल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है और टिफनी खुद को डॉल में पाकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। अब नॉर्मल इंसानी शरीर में जाने के लिए चक्की और टिफनी को उस लॉकेट की ज़रूरत थी जो कि चार्ल्स की ग्रेव में था, पर ये लोग अपने छोटे छोटे पाँव से इतनी दूर जाना पॉसिबल नहीं होता। तभी टिफनी अपने नेबर जेसी को डॉल्स डिलीवर करने के लिए बोलती है और बदले में उसे $1,000 देती है। फिर उसका नेबर टिफनी के घर आता है और डॉल्स को साथ में लेके जाकर डिलीवर करने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो अपने गर्लफ्रेंड जेड को भी ले लेता है और उसे साथ में भाग चलने के है। लेकिन तभी वहां से अचानक ऑफिसर उसकी कार में चोरी छुपके वेट डाल देता है। चक्की और टिफनी ऑफिसर वॉरेन को ट्रैप करके मार देते हैं और उसे कार के अंदर एक बॉक्स में रख देते हैं। जेसी इस बात से अनजान होकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वैन ड्राइव कर रहा होता है, तभी उसे एक इंस्पेक्टर उसका पीछा करते हुए दिखाई देता है। वो अपनी गाड़ी रोक लेता है और इंस्पेक्टर इनकी कार की तलाशी लेता है। उसे वीड मिलने पर वो इन्हें अरेस्ट कर लेता है और अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। लेकिन चक्की उस इंस्पेक्टर की कार के फ्यूल टैंक में एक कपड़ा बांधकर आग लगा देता है, जिसके कारण उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। ये सब देखने के बाद इन दोनों डॉल्स को लेके वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन जेसी और जेड एक दूसरे पर डाउट कर रहे होते हैं। फिर आगे चल के वो लोग शादी कर लेते हैं और वही कार में टिफनी और चक्की बैठे गाना सुन रहे होते हैं। फिर जब वो लोग हनीमून के लिए मोटल में आते हैं तो उन्हें एक अजीब कपल मिलते हैं जो उनके रूम में होते हैं, लेकिन ये दोनों उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं, भगा देते हैं। और वो कपल में से जो औरत होती है वो जेसी का पर्स चोरी कर लेती है और ये बात टिफनी को कुछ खास पसंद नहीं आती। फिर रात को चक्की और टिफनी वो अजीब कपल के रूम में जाते हैं और वहां पर वो कपल इंटीमेट हो रहे होते हैं, लेकिन चक्की और टिफनी उनके मार देते हैं और टिफनी की इस मर्डर करने की अदाओं पर चक्की फिदा हो जाता है और उसे रिंग पहनाता है और वो लोग भी इंटीमेट हो रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब जेसी और जीत को पता चलता है कि वो अजीब कपल की डेथ हो गई है तो ये दोनों डॉल्स को लेके वहाँ से भाग जाते हैं। तभी रास्ते में उनका फ्रेंड डैनी उनकी वैन में बैठ जाता है। जैसे ही डैनी कार में रखा हुआ बॉक्स देखता है वो डर जाता है, क्योंकि उसमें एक डेड बॉडी और एक गन होती है। वो गन उठाता है और वो जेसी और जेद पर पॉइंट कर देता है, क्योंकि वो लोग उसे क्रिमिनल लग रहे थे। फिर बाद में वो उसे उतारने के लिए कहता है, लेकिन ये दोनों खुद बॉडी देख के हैरान हो जाते हैं। जैसे ही डैनी कार से उतरता है उस पर एक ट्रक चढ़ जाती है और वो मर जाता है। वही टिफनी और चक्की जेद और जेसी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं
हैं और फिर वो लोग एक दूसरी वैन में आ जाते हैं। टिफनी चकी के लिए खाना बना रही होती है यहाँ पर और मौके का फायदा उठाते हुए जेद और जेसी इन दोनों में झगड़ा करवा देते हैं एक छोटी सी बर्तन धोने की बात पर। जैसे ही चकी का ध्यान भटकता है जेद टिफनी को लात मार के ओवन में बंद कर देती है और जैसे भी चकी को कार के बाहर फेंक देता है। जेसी का ध्यान भटक जाता है और उसकी वैन जाके खाई में गिर जाती है। वो जेद को बचाकर वैन से तो बाहर आ जाता है पर वैन में आग लग जाती है। फिर चकी बाहर जेसी को अपने साथ गन पॉइंट पर लेके खुद के ग्रेव पर चला जाता है और चकी चार्ल्स यानी उसकी खुद की ग्रेव खुदवाकर जेद को बोलता है वो लॉकेट देने जो उसकी ग्रेव में होता है जिसके बदौलत वो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है और जेद वैसा ही करती है, वो उसे वो लॉकेट दे देती है। फिर तभी जेसी भी वहाँ आ जाता है और वो टिफनी के बदले अपनी वाइफ जेद को मांगता है। जैसे ही जेद जेसी के पास पहुँचती है चकी उस पर एक नाइफ फेंक देता है लेकिन जेसी वो नाइफ खुद पर ले लेता है और जेस को बचा देता है। ये सब देख के टिफनी इमोशनल हो जाती है और वो चकी के पेट में जाके अटैक कर देती है जिससे चकी कुछ देर तो रुक जाता है पर बाद में वो रिटर्न अटैक करता है और इन दोनों के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है और अब टिफनी के पेट में चकी नाइफ डाल देता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और जब वो चक्की डॉल को ग्रेव में देखता है तो वो सारा किस्सा समझ जाता है। फिर वो जब टिफनी डॉल को देखता है तो देखता है एक अजीब सी चीज़, टिफनी ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया और जो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होता है और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। गाइज हमारी आज की मूवी का यही दी एंड हो जाता है। प्लीज़ कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताना आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखनी चाहोगे और आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी